जबलपुर जोन बिलासपुर जोन के मंडल अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन इंटरलॉकिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम आज से 12 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कारण कटनी से गुजरने वाली 30 ट्रेनों को रद्द किया गया है। महीनों पहले रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को इस खबर से झटका लगा है। वहीं स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी, दूर दराज से आए यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटनी से भोपाल, सागर, शहडोल, दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और एक दर्जन से अधिक गाड़ियां देरी से चल रही, जिसके कारण यात्रियों ने स्टेशन को ही अपना ठिकाना समझकर समय काट रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना प्रभारी जीआरपी रेल ने बताया कि काफी ट्रेनें रद्द और डायवर्ट होने के कारण कटनी जंक्शन, कटनी मुंडावारा और कटनी साउथ रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी हुई है। जबलपुर जोन के अंतर्गत रेलवे के द्वारा इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की और किसी लाइन के जो विस्तार किया जा रहा उसके वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। उसमें लमसम 12 जोड़ी ट्रेनें आती हैं जो कटनी जंक्शन, कटनी मुड़वारा, कटनी साउथ को आने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये भीड़ तमाम पब्लिक खड़ी है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रेन के इंतजार में प्रतीक्षा में जो कुछ विलम्ब है वो डाइवर्ट कर दी गई है। इस तरह से हमारे साथ अभी कटनी स्टेशन के, कटनी जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक साहब है, इनसे चर्चा कर लेते हैं। कुल कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं? कुल 25 से 30 जोड़ा ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुई हैं और चंदिया और अनूपपुर के बीच में थर्ड लाइन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया 12 दिसंबर तक जो ट्रेनें रद्द की गई हैं, जो डाइवर्ट कर दी गई हैं, उन्हें यथावत चालू कर दिया, यानी कि जिस तरह का दबाव रेलवे के ऊपर पड़ा है अचानक ट्रेनें कैंसिल करने के कारण, और चूंकि शादियों का सीजन है, ये दीपावली के बाद 11 आता है उसमें शादियाँ शुरू हो जाती है, उसकी तरह से जो ट्रेन ये मुसाफिर बैठे हुए हैं ये तमाम लोग इसी इंतजार में थे कि ट्रेनें आने वाली थी चूंकि नहीं आई, कैंसिल है या डाइवर्ट कर दी गई। इस तरह से देखा जाए कटनी जंक्शन एक बड़ा जंक्शन है जहाँ की चारों ओर की दिशाओं की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा साउथ स्टेशन और मुड़वारा स्टेशन, ये स्टेशन भी इसी स्टेशन की तरफ आता है कटनी जिले के अंदर, क्योंकि तीनों स्टेशन में दबाव है ट्रेनों को डायरेक्ट कैंसिल करने के कारण या रद्द करने के कारण। अब देखना होगा इन यात्रियों को अन्य विकल्प मार्ग के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाना होगा, उनको दूसरा विकल्प तलाश करना होगा। कटनी देखिए, ट्रेन रद्द होने के कारण काफी यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, तो उनको हम बकायदा समझाई दे रहे हैं कि और व्यवस्था बना रहे हैं कि अभी जो ट्रेन रद्द हो गई है तो उनके आने जाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अब इस ट्रेन के माध्यम से आप लोग जाइए, उनके रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। कब से कब तक के लिए जानकारी? ये आई थिंक मेरे ख्याल से 11-12 दिसंबर तक के लिए है, करीबन 12 ट्रेन रद्द हो गई है, तो कुछ किसी यात्री को उतना संज्ञान भी नहीं है, तो उनको अपने स्तर पे जितनी भी सुविधाएं हो सकती है वो मुहैया करवा रहे हैं और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते लगातार पेट्रोलिंग करके ताकि उनके साथ में कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भी हम लोग अपना स्टेशन प्लेटफॉर्म पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी WCR जोन में दो जगह पे NI का कार्य चल रहा है, एक तो अपने मंडल में चल रहा है ब्रांच स्टेशन और एक भोपाल मंडल में चल रहा है बुधनी बरखेड़ा में। तो बुधनी बरखेड़ा के जो काम चल रहा है उसमें 69 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, 22 गाड़ियां जो हैं वो डाइवर्ट की गई हैं, उसके अलावा एक पेयर जो अपना अमरकंटक का है वो 4-3 में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है।